खेत सूख गए, पेड़ों के पत्ते तक मुरझा कर झड़ गए, लेकिन सभी दुखों का अंत होता है। फिर से आकाश में बादल उमड़ आए। अरे देख तो सही, क्या बादल उमड़े इतने दिनों के बाद राम जी की दया से। हम लोग जमीन अब कैसी हो गई है, इसके साथ लिपटी चली आ रही है भैया, जैसे बातें कर रही हो। पिछले दो बरस तो ऐसे गुजरे हैं पारो, ये जमींदार जी की मोटर आज यहाँ कहाँ? जमींदार जी के साथ जो दो तीन आदमी हैं वो शहरी मालूम होते हैं। सब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बनी नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। अजी उसका बाप बेचेगा। बीज का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टर-टर फंस हो जाएगा। मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूँ? जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। नहीं हजूर, तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊँ? कल तक? चार दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, सब मिला के 65 रुपए। 65 रुपए एक साथ इतने कहां से मिलेंगे? सब बेच दूंगा। मैं कहती हूँ आखिर बात क्या है? बात क्या होगी, ये सब बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दूंगा। सब तो गया, अब यही रह गया है। इन सब से तो कुछ भी नहीं बनेगा पारो। तो मैं क्या करूँ? किस मुंह से कहूँ पार्वती, मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओह, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं नहीं पारो, रहने दे, तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं, अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा। सरकार, आपके दिए पैसों का कर्जा आज चुका रहा हूं, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता। सरकार, मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी, खाता देखकर बताइए तो इसके दिन में कितने बकाया है, इसे हिसाब ठीक तरह समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूं। सब मिल मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। हजूर माय बाप, मैं गरीब बिल्कुल ना रह जाऊंगा। हजूर हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा। हजूर हजूर माय बाप, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हजूर बस, अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। साकिन, गोपी बोर्ड के खिलाफ दी हुई दरखास्त जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह अपने 235 रुपए 8 आने के कर्ज के इवज में मुदायले शंभू महतो की जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत चाहता है, अदालत नामंजूर करती। लेकिन मुदायले शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया ना चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हजूर, 2 दिन से रकम जुटाने के लिए मारा मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं से एक पैसा नहीं मिलता। मेरा जवाई कल कलकत्ते से लौट आया। आ गया राम? हाँ आ गया, शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं। तू भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। नहीं बाबू, यहाँ तो कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए। कहाँ जाओगे बाबू? कलकत्ते। कलकत्ते? वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है, है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू, मैं कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठा। अरे तू किधर जाएगा, अभी मेरा ही वहाँ ठिकाना नहीं है। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा होशियारी बरतना पार्वती। बचवा कहाँ गया, उसको नहीं देखा? उसे तो मालूम था कि आज तुम जा रहे हो, न जाने सवेरे से ही कहाँ चला गया। तू यहाँ कैसे? काकी, कन्हैया अपने बापू के साथ कलकत्ते चला गया। हाँ काकी, वो मुझे स्टेशन पे मिला था, तुम तक खबर पहुँचाने के लिए कह गया। अच्छा तो यहाँ बैठ, मैं कहीं से ढूंढ ढांड के कुछ खाने को जुटाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लालू, लालू उस्ताद। हाँ तो लालू। लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ हाँ, लालू उस्ताद। तुम रहते कहाँ? ग्रैंड होटल के सामने फुटपाथ पर। अगर तेरे पास रहने का ठिकाना ना हो तो तू भी आ जाना। उठ क्या हुई? अरे बच्चों उठ बैठ, मैं तो लुट गया, हमारी पोटली को उठा ले गया। hey!
ये सोने की जगह नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। चलो बापू ग्रैंड होटल चले। लालू उस्ताद कन्हैया। अरे हाँ कन्हैया, सोजा सोजा यहाँ। बचुआ, ओ बचुआ, अरे तेरा तो शरीर तप रहा है। भाई चाय वाले, जरा चार पैसे की चाय देना। क्या मुश्किल है, कल ही गांव से आए हैं, बच्चे को बुखार ने आ घेरा है, कहीं रहने तक का ठीक नहीं। तुम कोई ठिकाना बता सकते हो भैया, तुम कहाँ रहते हो? अजी मैं लाला बाबू की बस्ती में रहता हूँ। हमें कोई कोठरी मिल सकती है वहाँ? हाँ मिल भी सकती। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जरा सुने सुने भाई, मार तो भाई देखूं, तूने क्यों मार दिया था? लाला बाबू की बस्ती यही है ना? किधर से आया, क्या चाहिए? मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? सुनो बाबा, एक कमरा खाली है, रोज का 6 वाला भाड़ा लगेगा, 7 दिन का भाड़ा एडवांस हो। पैसे पैसे मेरे पास नहीं है। अरे धेप चोट, पैसा नहीं तो भाग भाग यहाँ से। अरे ओ नवाब के बेटे इधर आ, गुस्सा दिखा कर चला तो जा रहा है, उस रोगी बच्चे को कड़कती धूम में घुमा घुमा कर मारना चाहता है। जेब में ने काना कौड़ी और दिमाग है सोले आने। आ मेरे साथ आ, ले ये है कोठरी। तुम? मैं कल ही यहाँ आया, तुम्हारे साथ वाली कोठरी। मुझे तो कल रात से बहुत जोरों का बुखार आ रहा है। ओहो चिंता ना करो भैया, अच्छे हो जाओ। भाई तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या? वो मेरी इच्छा है ना, रिक्शा हाथ गाड़ी। हाँ जहाँ बैल बन रहे ना वहां पर रखी है। हाँ उसे रिक्शा मालिक यहाँ पहुँचा दोगे? ए रिक्शा वाले रोक के। नहीं बाबूजी ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ना नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल मुझे स्टेशन जाना है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। बस बस रोके, अबे नीचे रख, उतरूंगा कैसा? नया नया मालूम होता है। दुआ ने है? दुआ ने? नहीं अच्छा ले। बड़ा अच्छा हुआ कि ये पैसे मिल गए, कल बुखार की वजह से कुछ भी नहीं कमा सका। तुम तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना, बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया, जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा, तुम मुझे रिक्शा चलाना सिखा। अब तो बिल्कुल सीख गया। यार तू कूड़ा चपड़ गया, काम से जा रहा था तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद, चलता है? ना बाबा। अबे चल मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ 2 रुपए? अरे जूता पॉलिश करके। वही बैठ के जूता पॉलिश करते हो? अबे चटनी के, मेरा एक ऑफिस छोड़ी, आजकल पार्क स्ट्रीट में बैठक होती है अपनी। क्यों बचुआ, क्या बात है? बाबा तुम मुझे एक बक्सा बना दोगे? कैसा बक्सा रे? जूता पॉलिश करने का। वो तो क्या करेगा? बापू की तरह तुम्हारी तरह मैं भी कुछ कमाऊं। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं भी कुछ कमा सकूं तो बापू का भार जरा हल्का हो जाए। शाबाश मेहनती बाप के मेहनती बेटे, बना दूंगा, जरूर बना दूंगा। अरे कन्हैया तू आज तो बड़ा सगरा है रे, आ बैठ, तू भी हमारे ऑफिस में भर्ती हो जा। मेरे पास काला पॉलिश नहीं बाबूजी, उसके पास कर रही फर्स्ट क्लास पॉलिश करता है। हाँ बाबू। घर पे कन्हैया? हाँ आओ शंभू आओ। कहो आज का दिन कैसा रहा? बड़ी मंदी है भैया, 20 रोज जान लड़ाई है लेकिन 50 रुपए भी तो नहीं बने। क्या कहूँ क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। अरे ताला पड़ा हुआ है, बचवा कहाँ? तू कहाँ था बे? कितनी बार तुझसे कहा है मेरे पूछे बगैर घर से बाहर कदम न रखा कर। हाँ इधर आ। ये क्या पैसे चूड़ियां? मैं अपना खून देकर पैसा कमाता हूँ और तू लुटा रहा है। शंभू तूने इस पर हाथ उठाया, तूने इसे मारा? मारो नहीं, ये देख पैसे चुरा के ये। चुरा? माफी मांग, मैं कहता तू इसे माफी मांग, हाथ जोड़ के माफी मांग। दूध पीते बच्चे ने सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाए और तूने इसे कमाए? हाँ ये देख तेरे लिए इसने आज से जूता पॉलिश का काम शुरू कर दिया और तूने इसे चोर कह के मारा।
बहुत चोट लगी थी? नहीं बापू, नहीं। ये 48 रुपए आठ आने भेज रहा हूँ, हर 15 दिन बाद भेजा करूंगा, संभाल के रखना। हम दोनों ठीक हैं, अपना पता लिख दिया है, चिट्ठी लिखना। इति शंभू। ये क्या लाई है? तुमने सिंगाड़े मंगवाए थे ना, ले आई हूँ। अच्छा किया, मैं पैसे ले आऊँ। एक काम करना होगा, एक चिट्ठी लिख देनी होगी। किसे? बोलना, तेरे घर वाले को। रुपए मिल गए, बापू को कई दिन से बुखार नहीं आया, अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं, क्या होगा नहीं जानते। सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पांव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। जूता? हाँ हाँ। कितने में आ जाएगा भाई ये? कोई 2-2.5 रुपये में। 2-2.5 रुपये में? हाँ। नहीं भाई, हमें जूता वूता नहीं चाहिए। कल मैंने उससे कहा चल बे कन्हैया, आवारा देखे आए, नरगिस है उसमें, तो कहने लगा मेरे पास पैसे ही नहीं। दोनी ले ले और तू जाके खा पिया, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लौट क्यों आया रे? बापू अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों मेहनत पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ए, उठो, चल जल्दी चल। अरे जल्दी चल, जल्दी चल, और जल्दी तोड़ के ना। तोड़ के बाबू? हाँ, 3 रुपया। इतनी रात हो गई, बापू अभी तक क्यों नहीं लौटे? शायद कोई अच्छी सवारी मिल गई होगी, अभी लौट आएगा। लेकिन बाबा उन्होंने इतनी देर तो कभी नहीं की, मैं जरा पान वाले की दुकान तक जाकर उन्हें देखा। बिना ने पैसे आए। तुमने उस बाबू की जेब से पैसे क्यों खिसकाए? ठीक ही किया, वे इन बाबू लोगों की जेब ही तो मेरा बैंक है, जब जरूरत हुई पैसे निकाल ली। चोर कहीं का। अबे रहने दे, दुनिया में सब चोरी है। अब आप क्या करता है? ओ, मैं बापू को ही खोजने आया था, मैं जाता हूँ। बापू, ये तुम्हें क्या हो गया? बापू लो, रोना शुरू कर दिया, इसमें रोने की क्या बात है, हम तो है जरा चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। पट्टी क्यों खोल रहे हो बापू? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? रिक्शा चलाने। और ना जाओ बापू ना जाओ। तू चुप रह। रानी, ए रानी। दादी, ओ दादी जल्दी आओ। क्या हुआ ने? देखो दादी, बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा, तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेट आ रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, संभो उठो मत। कन्हैया के बाप की तबीयत खराब है, जूता पालिश 2 पैसे हम उसे देंगे, समझा? वाह, मैं क्यों दूं? अबे इनकम टैक्स देने पड़ेगा। अरे कन्हैया, क्यों रे, क्या मुंह लट के बैठा, क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, मेरा बक्सा तोड़ दिया गया। अरे मार बक्से को गोली, चल मेरा साथ। असली सोने की मालूम होती है, इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतना रुपए कमाने में तो तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है, मेरा बाप मरने के करीब है। अच्छा चल मेरा साथ, गोपी पान वाले को देकर तुझे 50 रुपए दिलवा देता हूँ। इस्लाम का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी चोरी। माँ सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे। लो बापू मुझे मारो, खूब जी भर के मारो, मगर तुम ये खा लो बापू। उठाइए सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर। माँ अगर तू ना आई तो बाप मर जाएंगे, ठिकाना लिख दिया है, तू जल्दी ही आ जा। माँ तू जाकर बचुआ को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी है। रुपयों की तू चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका दे। सुनो तो भाई, जरा मेहरबानी करके ठिकाना तो बता दे। उस पान वाले से पूछ लो। मैंने कहा कहाँ जाओगी,
तुम मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल नजदीक। आओ मेरे साथ। काली भैया, जैसे भी हो आज मुझे 50 रुपए जुटाने ही चाहिए, नहीं तो मेरे पापू कहीं रास्ते में ही गिर कर मर जाएंगे। बस एक बार माता, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे माफ कर देना। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? घबराओ नहीं, तुम अंदर बैठो, मैं अभी एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? चलो जल्दी से चल दो, डॉक्टर को लाया हो ना? ना, डॉक्टर बेटा आए, राम कसम ऐसे दिन आ गए हैं कि बिना पेश की कोई बात ही नहीं करता। मैंने उसके पांव पकड़ा, वो नहीं माना। निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, ये पैसा मतलब खून पानी एक करके कमाए हुए, इनके बगैर मेरा घर वाला नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, नहीं। ए रिक्शा, आओ। एक बेचारी औरत गाड़ी से दब गई है, जल्दी चल नहीं तो मर जाएगी बेचारी। माँ कहाँ है? ये देखो, मैं उसके लिए खरीदी हुई लाल चूड़ियाँ भी अपने साथ ले आई हूँ। कहाँ है माँ? बोलो ना बापू। माँ, माँ तुम मर गई, मैंने चोरी क्यों की है, तुम मर गई। माँ तू इतना भी नहीं समझ सकी कि मैंने चोरी क्यों? ये देख, मैं चोरी के रूप में तेरे सामने ही फाड़ कर फेंक देता हूँ। माँ अब तो मुँह से कुछ बोल। माँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब जैसे भी हो मेरी माँ को बताएगी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी माँ अच्छी हो जाएगी बेटा, जरूर अच्छी हो जाएगी। देखो भाई, उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। जैसे भी हो मेरी माँ को बताओ। चंबू मेहतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू मेहतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है।